नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने तीन बेस्ट स्मार्टफोन लेके आया हूँ जिन्हें दोस्तों आप 15,000 रुपये के अंदर खरीद सकते हो। दोस्तों ये तीनों ही फ़ोन 15,000 रुपये के अंदर आते हैं और दोस्तों ये तीनों ही फ़ोन अलग अलग ब्रांड के हैं। दोस्तों ये तीनों ही फ़ोन आपको फ्लिपकार्ट सेल से मिल जाते हैं इस महीने, जिन्हें आप दोस्तों अपने अपने पसंद के हिसाब से खरीद सकते हो, क्योंकि दोस्तों तीनों फ़ोन अलग अलग ब्रांड के हैं और तीनों ही फ़ोन दोस्तों 15,000 रुपये के अंदर आते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले स्मार्टफोन की बात करें तो जी आता है दोस्तों रियलमी की तरफ से। दोस्तों रियलमी का रियलमी 7 प्रो आपको मिल रहा है सेल के अंदर 16,000 रुपये का, 6GB 128 वाले वेरियंट। बट दोस्तों अगर आप बैंक ओवर वगैरह लगाते हो तो ये आपको 15,000 रुपये के आसपास मिल जाता है। वैसे दोस्तों इसकी प्राइस 20,000 रुपये होती है, बट अभी ये आपको 15,000 के आसपास मिल रहा है तो आप इस फोन तरफ जा सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 720G सुपर एमोलेड डिस्प्ले और दोस्तों काफ़ी अच्छा देखने में लगता है ये फ़ोन और कैमरे काफ़ी अच्छे हैं। क्वाड कैमरे का सेटअप है दोस्तों बैक में और फ्रंट कैमरा 232 मेगापिक्सल का है। 65 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है और दोस्तों अच्छी बात यह है कि 65 वाट का जो चार्जर है दोस्तों आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। दोस्तों आप इस फोन पर जा सकते हो। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दोस्तों ये जो फ़ोन है ये 5G नहीं है, सिर्फ 4G है। बट दोस्तों 4G वेरियंट में आपको काफ़ी अच्छे इसमें फीचर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वैसे इसकी प्राइस 20,000 रुपये है तो आप उससे अंदर ला सकते हो कि 20,000 वाला फ़ोन आपको 15,000 मिल रहा है तो दोस्तों कितने अच्छे फीचर इसके अंदर होंगे। दोस्तों अगले फ़ोन की बात करूं तो ये आता है दोस्तों इनफिनिक्स की तरफ से, इनफिनिक्स का Note 10। दोस्तों जिसका 6GB और 64GB वाले वेरियंट आपको मिल जाएगा सिर्फ 12,500 रुपये में। दोस्तों 12,500 रुपये में आपको मिल रहा है इनफिनिक्स की तरफ से एक बड़ा डिस्प्ले, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं जिनको एक बड़ा डिस्प्ले चाहिए होता है। काफ़ी लोगों को गेम खेलने का शौक होता है, मूवी वगैरह देखने का शौक होता है। दोस्तों इसमें मिलती है हमें 6.9 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले, जो दोस्तों एक फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आती है। और दोस्तों इसके अंदर मिलता है हमें MediaTek का हीलियो G80 प्रोसेसर, 85 प्रोसेसर। दोस्तों गेमिंग के मामले में फ़ोन काफ़ी अच्छा है। बैटरी मिलती है इसमें 5000 mAh की और दोस्तों फ्रंट कैमरा मिलता है 16 मेगापिक्सल का। दोस्तों सेल्फी कैमरा भी काफ़ी अच्छा है और बैक कैमरे में दोस्तों हमें इसमें मिलते हैं 3 कैमरे का सेटअप। दोस्तों आप इस फोन तरफ जा सकते हो, क्योंकि इसमें आपको बड़ी बैटरी तो मिलती है, बड़ी डिस्प्ले मिलती है, प्लस दोस्तों इसमें मिलता है डुअल स्टूडियो स्पीकर। तो दोस्तों अगर आपको एक इनफिनिक्स का फ़ोन चाहिए जिसमें दोस्तों आपको रैम ज़्यादा मिले और प्लस दोस्तों बैटरी बड़ी हो, डिस्प्ले काफ़ी बड़ी हो, तो दोस्तों आप इस फोन तरफ जा सकते हो, क्योंकि इसमें दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर दिए गए हैं सिर्फ 12,500 रुपये में। अब दोस्तों नेक्स्ट फोन की बात करता हूँ, जो दोस्तों लास्ट फोन है इस सेल का, इस लिस्ट का, दोस्तों बहुत दोस्तों सैमसंग की तरफ से। दोस्तों काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ सैमसंग का ही फोन चाहिए होता है, चाहे दोस्तों कुछ इसमें मिले या ना मिले, बट सैमसंग का फ़ोन ही काफ़ी लोगों को चाहिए होता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी F41 की। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी F41 जिसका 6GB और 128GB वाला वेरियंट आपको मिल जाएगा इस सेल के अंदर 14,000 रुपये के आसपास, क्योंकि दोस्तों सेल चल रही है तो बैंक ओवर लगाने के बाद आपको इसमें 13,800 के आसपास ये फ़ोन मिल जाएगा, 6GB और 128GB वाले वेरियंट, जिसमें दोस्तों आपको 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है और दोस्तों एक चार्जर मिलता है 15 वाट का। बट दोस्तों अगर आपके पास फास्ट चार्जर है तो ये 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों सैमसंग का F41 काफ़ी अच्छा फ़ोन है जिन लोगों का नॉर्मल यूजेज है, जिन लोगों को दोस्तों गेमिंग करने की शौक़ नहीं है, ज़्यादा मल्टीटास्किंग करने का शौक़ नहीं है, वो लोग इस फ़ोन को ले सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप नॉर्मल यूज करते हो तो। और कैमरे की बात करूँ दोस्तों तो 64 मेगापिक्सल का मेल कैमरा है, बट दोस्तों इसमें दिए गए हैं 3 कैमरे का सेटअप और फ्रंट कैमरा दोस्तों 32 मेगापिक्सल का। तो दोस्तों कैमरे काफ़ी अच्छे हैं इस फ़ोन के, मैंने इस फ़ोन को काफ़ी टाइम से यूज़ किया था। बैटरी दोस्तों इसकी काफ़ी अच्छी चलती है, अगर आप काफ़ी ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हो फिर भी आपका एक दिन से ज़्यादा का बैकअप मिल जाएगा, और अगर आपको दोस्तों नॉर्मल यूज है तो आपको 2 दिन का बैकअप मिल सकता है। तो दोस्तों आप इस फ़ोन को ले सकते हो, जिन लोगों को सैमसंग का फ़ोन चाहिए होता है वो लोग इस फोन पर जा सकते हैं, क्योंकि ये फ़ोन आपको मिल जाएगा 13,800 के आसपास इस सेल के अंदर। तो दोस्तों यही वो तीन फोन थे जो दोस्तों अंडर 15,000 रुपये के अंदर आते हैं इस सेल के अंदर फ्लिपकार्ट सेल से इस महीने। दोस्तों अगर आपको इनमें से कोई फोन चाहिए तो आप दोस्तों तीनों को खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।